नमस्कार, मैं हूं मनोज्ञा लोहीवाल। स्वागत है आपका नाश्ते पर नेताजी में। क्योंकि चुनाव का माहौल है इसलिए सारे नेताजी आजकल इतने व्यस्त हैं कि उन्हें नाश्ते पर पकड़ना भी मुश्किल हो गया है। लेकिन हमने आज किसी को ऐसे को इनवाइट किया है नाश्ता करने पर जिन्होंने न सिर्फ कबड्डी खेली है बल्कि कबड्डी खिला भी दी है इस समय मध्य प्रदेश में कांग्रेस को। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा हमारे साथ हैं और इस बार खजुराहो से फिर एक बार सांसद की उम्मीदवारी कर रहे हैं। तो नेताजी, ये बताइए, से हाथ जोड़ जोड़ के कितनी बार दिन में सबको नमस्ते करते हैं? मनोदया जी, ये तो सुबह से जो शुरुआत होती है और देर रात तक जब तक चुनाव प्रचार समाप्त नहीं हो जाता तब तक लगातार लगे रहते हैं। लेकिन जनता का आशीर्वाद और स्नेह बहुत ज़्यादा है और मेरा संबंध संपर्क भी आम लोगों के साथ, कार्यकर्ताओं से लेकर के जनता तक इतना अच्छा है कि लोगों का आशीर्वाद मिलता रहता है। क्या आशीर्वाद तो मिलता है, उसके लिए एनर्जी कहाँ से आती है, क्या खाते हैं नाश्ते पर? देखिए, मैं इस मामले में आपको बिल्कुल, सुबह सुबह मेरा नाश्ता जो है, मतलब उठता हूँ तो उसके बाद चाय लेता हूँ, गर्म पानी और चाय लेने के बाद फिर स्प्राउट्स, इसके बाद बादाम, अखरोट। ये मैं प्रतिदिन, कहीं प्रवास पर रहने के कारण से कभी प्लस माइनस हो जाता है अगर हो जाए, अदरवाइज़ मैं घर में हूँ तो ये करता ही हूँ। फिर पोहा है जो मध्य प्रदेश का हमारा चिरपरिचित नाश्ता है, कभी उपमा भी ले लेता हूँ, कभी पराठा। तो ये जनरली लगभग इसी प्रकार का नाश्ता प्रतिदिन के रूटीन में है जिसको मैं करता हूँ। ये क्या पर्सनल अपना वजन मेंटेन करने के लिए है, सेहत मेंटेन? वजन तो मनोदया जी मेरा छात्र जीवन से ही, जब मैं कॉलेज का विद्यार्थी था तो मेरे स्पोर्ट्स में रुचि बहुत रही है। सुबह रेस करने जाना, उसके बाद मैं कबड्डी का भी खिलाड़ी रहा हूँ और साथ में मैं वॉलीबॉल का यूनिवर्सिटी प्लेयर रहते हुए मैंने बेस्ट जोन से खेला है और एथलेटिक्स में लॉन्ग जंप, जिसको हम मुरैना की भाषा में पैंथा शब्द कहते हैं, मेरे पिताजी उस रीजन के बहुत अच्छे लॉन्ग जंपर थे और आज ओलंपिक में खेलने वाला भी जो खिलाड़ी है वो मेरे गांव के पास गई है, जो पिछली बार ओलंपियंस जो बने थे। तो इस दिशा में मैंने भी अपने प्रयास किए अपने गाँव में रहते हुए, क्योंकि मेरी पूरी स्कूल एजुकेशन गांव के स्कूल के अंदर हुई, बाद में फिर मैं मुरैना आया, फिर कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर में एडमिशन होने के बाद फिर इधर आया। तो इसलिए खिलाड़ी होने के साथ रोज़ का रूटीन है ये कि सुबह वॉक करना, खेलने जाना, तो इसके कारण से मेंटेन जैसा है, अब तो थोड़ा कम हो गया है, अदरवाइज मैं वेल मेंटेन हूँ और वेल मेंटेन तरीके से ही खेल के कारण से रूटीन अपना जो घूमने का और इसके कारण से रहता है। राजनीति के जितेंद्र हो गए हैं आप? ये बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जितेंद्र, या अनिल कपूर कहूँ, अब इसके बारे में दोनों में से, दोनों की अपनी अपनी भूमिकाएं और अपने अपने दोनों के काम करने के तरीके हैं। तो जितेंद्र इस नाते से कहना मुझे लगता है कि ठीक है कि मैं थोड़ा शांत स्वभाव का भी हूँ, ज़्यादा बहुत उस रूप में नहीं रहता, इसलिए लगातार अपना काम करते रहना, सुबह से रूटीन जो शुरू होता है और उसके बाद दोपहर में, बाकी फिर चूँकि विद्यार्थी परिषद में मैं रहा इसलिए रूटीन छात्र जीवन में एज ए स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन देर रात तक चलता है। मुझे एक बात बताइए, आप जिस समय छात्र राजनीति कर रहे थे और जिस समय आप इन खेलों में शिरकत कर रहे थे, उस समय की स्थिति और वर्तमान स्थिति में क्या आपको लगता है खिलाड़ियों के जीवन में अंतर आ गया है, या उस समय आपको कुछ बेहतर स्थिति मिलती होती तो आज आपकी ज़िंदगी अलग होती? ये आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया। मैं इतना अच्छा प्लेयर था और मेरे घर में तो चूँकि पिताजी बहुत अच्छे लॉन्ग जंपर थे इसलिए जेनेटिक भी था, उस समय अगर ये सुविधाएं जो आज की सुविधाएं हैं, कोचिंग, स्पोर्ट्स ग्राउंड, ये जो आज लोगों को, खिलाड़ियों को अवसर मिलते हैं, अगर उस समय मुझे मिल गए होते तो मुझे लगता है कि मैं अच्छा प्लेयर बन सकता था। अब चूँकि मैं काम करते करते कॉलेज में आ गए, फिर विद्यार्थी परिषद से जुड़ गए, तो ये एक लाइन थोड़ा सा चेंज हो गई, अदरवाइज अच्छा खिलाड़ी में बन सकता था। स्पोर्ट स्पिरिट मेरे मन में, मेरे व्यवहार में आज भी है मनोदया जी, मैं एक अच्छा स्पोर्ट्समैन के नाते से ही राजनीति में काम करता हूँ। राजनीति में भी मेरी जो भूमिका है वो स्पोर्ट्स पर्सन के नाते से ही है, इसलिए जब मैंने छात्र जीवन में काम किया तो जितने भी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन थे जो हमारे संपर्क में, हमारे विरोधी आमने सामने रहने वाले लोग, उन्हें ये मालूम होता था कि बी डी शर्मा कभी एज ए स्पोर्ट्स स्पिरिट से ही काम करता है, खेलेंगे, जीतेंगे, हारेंगे, लेकिन बाद में गले मिलेंगे।
तो ये मेरे मन के अंदर और मेरी वर्किंग में बहुत हमेशा से रहा। ABP News आपको रखे आगे।